मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के पिता अनिल मेहता का निधन हो गया था। जी हाँ, दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि ऐसा ये कहा जा रहा था कि एक हफ्ते पहले ही छठी मंजिल से कूदकर उन्होंने सुसाइड कर ली थी। हालांकि अब इस कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन क्या सुसाइड करने से पहले इंसान को रोका नहीं जा सकता, ये एक सवाल उठता है। लेकिन बताते चले कि अनिल मेहता का प्रेयर मीट भी इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल पिता अनिल मेहता के प्रेयर मीट में इंटरनेट पे तमाम वीडियोज भी आ रहे हैं, जिसमें कि उनके घर के बाहर पुलिस नजर आ रही है और अरबाज भी वहां मौजूद है। वहीं इस बीच मलाइका भी मैनेजर के इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि एक दुर्घटना हुई है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस का पंचनामा मिलते ही अधिक जानकारी साझा की जाएगी। अनिल अरोड़ा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया था, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये देखने को मिला है कि उनकी पसलियों में चोटें आई थी। बताते चले कि अनिल अरोड़ा पिछले साल बीमार हुए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पर मलाइका अरोड़ा काफी ज्यादा उदास नजर आई थी, उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था, एक्ट्रेस की आंखें जरा नम नजर आई, उन्होंने अपने बालों को बांधा हुआ था। गुरुद्वारे में एक्ट्रेस लोगों से हाथ जोड़कर मिलते हुए भी नजर आई। बताते चले कि इसी के साथ मलाइका अरोड़ा काफी ही ज्यादा दुख में दिखी। वही बात करें अगर मलाइका की बहन और एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा की, तो एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा भी इस प्रेयर मीट में शामिल हुई, जो कि अपने दोनों बेटों के साथ पहुंची। और मलाइका अरोड़ा की माँ अपने पति अनिल मेहता की प्रेयर मीट में व्हाइट साड़ी पहनकर पहुंची। इसी के साथ वही बात करें अगर मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान की, तो इस दौरान अरहान खान भी मौजूद रहे, अपनी माँ के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। अरहान खान ने इस दौरान हरदम साय की तरफ अपनी मां के साथ खड़े नजर आए। अरहान के चेहरे पर भी इस दौरान नाना को खोने का दुख साफ नजर आ रहा था। बताते चले कि इसी के साथ वहां पे ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान भी मलाइका को संभालती हुई नजर आई और सपोर्ट करने के लिए इस प्रेयर मीट में शामिल हुई। फिलहाल इसमें क्या कुछ कहना है आपका, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट ऑन लाइव।